और महाकाल को शीश नवाए और सुमर शारदा मैहरवारी शिवम कबीर कलम चलाए। सुमर शारदा मैहरवारी शिवम कबीर कलम चलाए। तो बंधुओं, आप सुन रहे हैं हरनाम सिंह नरवरिया की आवाज में। ये मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का आल्हा। तो सुने आप, हमारे साथ में बैठी हैं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिला मंत्री श्रीमती गीता देवी जी। सुनिए आप कि मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव नाम कहा और पावन नगरी उज्जैनी से आप विधायक बन के आए। पावन नगरी उज्जैनी से आप विधायक बन के आए। पावन नगरी उज्जैनी से आप विधायक बन के आए। पावन नगरी उज्जैनी से आप विधायक बन के आए। इसके पहले माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी मामा शिवराज सिंह चौहान जी के शासनकाल में उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं। 2020 में मोहन उच्च शिक्षा मंत्री पद पाए और हुए प्रभावित जिनसे मोदी और मुख्यमंत्री दिया बनाए। हुए प्रभावित जिनसे मोदी और मुख्यमंत्री दिया बनाए। तो बंधुओं, सुने आप डॉक्टर मोहन यादव जी का ये जीवन परिचय के 1965 में जन्मे 25 मार्च तिथि बतला है। 1965 में जन्मे 19 मार्च और 1965 में जन्मे 25 मार्च तिथि बतला। ब्याह हुआ सीमा यादव संग रीवा में ससुराल बताए। ब्याह हुआ सीमा यादव संग रीवा में ससुराल बताए। जिनकी दो बहने दो भैया पंचो सुनियो कान लगाए। जिनकी दो बहने दो भैया पंचो सुनियो ध्यान लगाए। जिनकी दो बहने दो भैया पंचो सुनियो कान लगाए। जिनकी दो बहने दो भैया सुनियो भैया कान लगाए। छोटी कलावती कहलाए। डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री, बड़ी बहन का नाम ग्यारसी छोटी कलावती कहलाए और बड़े भाई हैं नंदलाल जी मंझले नारायण कहलाए। बड़े भाई हैं नंदलाल जी मंझले नारायण कहलाए। बड़े भाई हैं नंदलाल जी मंझले नारायण कहलाए। बड़े भाई
मन्नू के भाव दो बेटा बेटी आकांक्षा बतलाए, और यहाँ की बातों को यहाँ छोड़ो अब आगे को ध्यान लगाए, यहाँ की बातों को यहाँ छोड़ो अब आगे का ध्यान लगाए। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो छोटी बहन है कलावती जी की बहन निगम सी सभापति है, बेटी डॉक्टर पिता किसान की बहन निगम की सभापति है, बेटी डॉक्टर पिता किसान, और करी आपने MBA कॉलेज था माधव विज्ञान, करी आपने MBA कॉलेज था माधव विज्ञान। बहुत पढ़े लिखे हैं, BSc, MSc, MBA और PhD यानी डॉक्टरेट की उपाधि आपको प्राप्त है। कि छात्र संघ से मोहन यादव राजनीति में कदम बढ़ाए, छात्र संघ से मोहन यादव राजनीति में कदम बढ़ाए, और सन 1984 में छात्र संघ अध्यक्ष सोहाए, सन 1984 में छात्र संघ अध्यक्ष सोहाए। मोहन यादव जी विभिन्न पदों पर रहे हैं, RSS के सदस्य हैं, कि रहे विभिन्न पदों पर मोहन सभी पदों के मान बढ़ाए। देखिए आप कर्म प्रधान विश्व कर रखा, और ये कर्म का ही प्रतिफल है कि वो आज मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं। रहे विभिन्न पदों पर मोहन सभी पदों के मान बढ़ाए, और संघ पाठशाला में जाकर देशभक्ति ली शीश चढ़ाए, संघ पाठशाला में जाकर देशभक्ति ली शीश चढ़ाए। यादव जी पहली बार 2013 में विधानसभा का चुनाव लड़े उज्जैन की दक्षिण सीट से, 2013 में बने विधायक मोहन यादव पहली बार, और 2018 में आप जीत कर बने विधायक दूजी बार, 2018 में आप जीत कर बने विधायक दूजी बार। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी उस समय कैबिनेट मंत्री यानी उच्च शिक्षा मंत्री बनकर आप मामा की सरकार में काम किए, कैबिनेट में जगह बनाई 20 में मामा की सरकार, और उच्च शिक्षा मंत्री बन करके आप संभाला कार्यभार, उच्च शिक्षा मंत्री बन करके आप संभाला कार्यभार। अंत में हमारे सभी संगीत मंडल की ओर से मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं,
की शिवम कवि की शुभकामनाएं और बधाई बारंबार। शिवम कवि की शुभकामनाएं और बधाई बारंबार। करो विकास आप एमपी का, सबके सपने हो।